नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय झा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके निजी सचिव मोहम्मद शाहिद पर एक स्टिंग को लेकर के विवाद चल रहा है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। इस स्टिंग को पिछले 24 घंटों से हरीश रावत इस वजह से लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी ने उत्तराखंड में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत इन आरोपों को सरासर खारिज कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमले कर रही है। बीजेपी के दो दो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री, दोनों की बलि चाहती है कांग्रेस। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस पर जवाबी हमला बीजेपी ने किया है हरीश रावत के जरिए, इस स्टिंग के जरिए। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठ है, गलत है, ये वीडियो बेबुनियाद है। इस पर लगे आरोप बेबुनियाद है, उसका आधार ही गलत है, गलत बातें इसमें हो रही हैं, आरोपों में कोई दम नहीं है। तो क्या सवाल उठता है कि ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? और इसके बाद देखिए बीजेपी का किस तरह से प्रदर्शन हुआ है, किस तरह से इस्तीफे की मांग हो रही है, राजनीति हो रही है देहरादून में, गर्मा गई है राजनीति, ये भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां सीधे पहुंच गए हैं और सीएम से इस्तीफे की मांग हो रही है। ये सीढ़ी पर जंग जो छिड़ा है, महाभारत छिड़ा हुआ है, कौन सच है, कौन गलत है, इसके बीच कैसे तय होगा, सच और झूठ का फैसला कैसे होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। तो क्या सीढ़ी में जो बातें दिखाई दे रही है वो सही है, या फिर जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत इन्हें सरासर झूठा बता रहे, झूठे आरोप बता रहे, बेबुनियाद आरोप बता रहे, वो सही है? क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती है? आइए सीधे मैं आपको रूबरू कराता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला है और सीधे न्यूज स्टेट के सवालों का सामना करने के लिए आप सामने आए हैं। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई गई हैं बीजेपी जिस सीढ़ी को लेकर बाहर आई है, और वो भी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आपकी कांग्रेस लगातार दो मुख्यमंत्री की बलि चाह रही है बीजेपी के, तो ये सीढ़ी लेकर आई है बीजेपी, क्या वो तस्वीरें, वो सीढ़ी, उसमें हो रही बातें, सब कुछ गलत है जैसा आप कह रहे हैं? कैसे आप कह सकते हैं ऐसा? देखिए सीढ़ी पर मैं तब कॉमेंट करूँगा जब हमारे पास फॉरेंसिक जाँच के नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि हमने जांच के लिए भेज दी है। जो संबंधित अधिकारी है उनका कहना है कि मेरी आवाज़ और मेरा चेहरा उससे मेल नहीं खाता है, और मैं इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूं कि इस तरीके से लेट करके ऐसी तरीके से किसी से कोई बातचीत करूंगा। और फिर उसमें क्लियरली कोई बात न चेहरा दिखाई दे रहा है जो हमने टीवी स्क्रीन्स में देखा है, और न आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है। और जो बीजेपी कह रही है बहुत कुछ जो है उनसे जो चीज़ सुनाई दे रही है उससे मेल नहीं खा रहा है, इसलिए हमने बहुत सब चीज़ के इंटरेस्ट में ये समझा कि फॉरेंसिक जांच इस सीडी की करवा ली जाए, और बल्कि अच्छा हो कि बीजेपी इसकी जो ओरिजिनल उन्होंने करवाई है उसको हमारे पास भिजवा दें, क्योंकि उन्होंने यदि ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया है तो उनमें इतना साहस होना चाहिए कि वो उसमें उसको हमारे पास भिजवा दें और उसमें समय मार कर दें किसके कौन कौन लोगों से उन्होंने करवाया है उसको लिख करके भेज दें, स्थान लिख करके भेज दें, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन का यही तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में इस बात को कहा है, तो भाजपा ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए मैं सीडी के पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमने एक फैसला ले लिया है कि हम जो है सीडी की जांच करवाएंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो है। दूसरा, हमने जांच फिर भी हमने कहा यदि कहीं कुछ बात दूर दूर तक भी है तो हम एक दूसरी जांच भी करने के विषय में मैंने अधिकारियों से कहा है कि वो कुछ इस पर
विचार करें कि किस तरीके की हम और जांच कर सकते हैं। अब रहा सवाल जो भाजपा का एलिगेशन है जिसको मिसेस सीतारमण ने मेरे ऊपर लगाया भाजपा की ओर से, उन्होंने कहा कि शराब का बल्क व्यापार इसको बंद कर दीजिए, बल्क व्यापार उन हाथों में था, सरकार के हाथ में था जी, और मैंने सरकारी संस्थाओं के हाथों से ले करके प्राइवेट लोगों को दिया है, और जबकि सत्यता बिल्कुल इसके उल्टी है। शराब का व्यापार उत्तराखंड के अंदर आपके चैनल के लोग भी जानते हैं इस बात को, यदि और हर चैनल इस बात को जानता है जो उत्तराखंड में है, यदि उनमें जरा सा साहस हो तो उनको खुद ही इसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर देना चाहिए कि शराब का व्यापार उत्तराखंड में निजी हाथों में था। ये बात सही है। निजी हाथों में से एक हाथ वो भी था जिनके फार्म हाउस में दिल्ली में गोलियां चली थी और दो भाई मारे गए थे, और मैंने जो है निजी हाथों से ले करके सरकारी संस्था को दे दिया, मैंने मंडी परिषद को दे दिया, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम जो दोनों अंडरटेकिंग हैं सरकार की, उनको उसके साथ जोड़ दिया। तो जब मैंने निजी हाथों से ले करके सरकारी हाथों में दे दिया तो झा साहब आप ही न्याय करिए, आप तो हमारे मैथिल व्यक्ति हैं, आप जरा मुझे समझाइए कि यहाँ पर मेरा दोष कहाँ से बनता है, जरा सा मुझे बताइए तो, और कहाँ से इसमें लेन देन आ गया, क्या 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 प्राइवेट लोगों ने मुझको मेरे साथ लेन देन इस बात के लिए किया होगा कि हमारे हाथ से ले करके आप जो है सरकारी हाथों में दे दो, वो तो मेरे खिलाफ कोर्ट में गए हैं कि हरीश सावत के निर्णय ने हमारे अधिकार को छीन लिया और उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो क्या आप आपको लगा लीजिए, और इसलिए तो भाजपा का झा साहब जी आपका चैनल आप बहुत ही लॉजिकल व्यक्ति है, मैं आप ही से एक बात जानना चाहता हूं, मुझको ये समझाइए कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे बन गया है, आप मुझे मैं भी इसी बात को समझना चाह रहा हूं। सीडी की हम जांच करवा लेंगे, ठीक है, ये आप तो आपकी मैं सराहना इस बात के लिए करता हूं कि आप समय से तैयार है कि आप सीडी की जांच किसी भी तरीके से जो संभव तरीके हैं उससे करवाने को तैयार है कि क्या सीडी सही है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर जी, दूसरी बात, कोई चीफ मिनिस्टर इतने बड़े सेटअप के अंदर किसी अधिकारी की भी कहीं कोई स्टिंग कोई कर रहा है तो जब पहला काम ये करेगा कि उसको वेरीफाई करवाने की कोशिश करेगा, मैं उसको वेरीफाई करवा रहा हूँ, अधिकारी ना कह रहा है मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ फिर भी जो है, और यदि कुछ भी दूर तक सत्यता मिलेगी तो कोई अधिकारी भले ही उसने पॉलिसी को इन्फ्लुएंस ना कर पाया हो, क्योंकि पॉलिसी तो हमने बिल्कुल विपरीत निर्णय लिया है, हमने प्राइवेट हाथों को दिया ही नहीं है, उनसे छीना है, तो यदि तो पॉलिसी तो एज सच बेदाग हो गई। अब रहा अधिकारी का कंडक्ट, यदि अधिकारी ने कोई गैर जिम्मेदाराना बात की है तो उस अधिकारी को दंडित किया जा सकता है, मगर आप जानते हैं इस लेवल के अधिकारी को दंडित करने के लिए आपके पास कुछ तो तथ्य हो ना, तो वो तथ्य केवल सीडी के को वेरीफाई करके ही हासिल किए जा सकते। लेकिन आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको इतना बड़ा उनको निलंबित किया जाना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, ये आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए सबको मालूम है कि निलंबन की एक प्रक्रिया होती है और यदि फॉरेंसिक जांच में कुछ बातें आती हैं और उससे कहीं ये लगता है कि उसकी ग्रेविटी इस काबिल है तो निश्चित तौर पर वो कदम उठाया जाएगा, हम किसी को स्पेयर नहीं करने जा रहे हैं यदि उसमें कोई भी दोषी साबित होगा। तो ये इतना तो मानेंगे आप मुख्यमंत्री जी कि अगर किसी भी समय में एक उच्च स्तर के अधिकारी इस तरह की बातें किसी के साथ कर रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कराने के लिए सौदेबाजी हो रही है तो ये फिर घोर आपत्तिजनक है, चाहे वो किसी भी समय में बेशक ऐसा हो ना पाया हो, लेकिन अगर ये बात हुई बिल्कुल तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक किया कहा कि दो चीजें अलग अलग हैं, एक तो यह है कि पॉलिसी को लागू करने में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है,
क्योंकि भ्रष्टाचार सिद्ध इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्राइवेट हाथों से ले करके उत्तराखंड की सरकार ने पब्लिक सेक्टर को दिया है। मंडी परिषद राज्य की पब्लिक अंडरटेकिंग है और कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम भी पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो एक इशू तो जो है कुछ लेन देन हुआ है शराब का बल्क ट्रेड देने में, वो बिल्कुल साफ होगी कि वो एलिगेशन मिसेज निर्मला सीतारमन भाया भाजपा जो है बिल्कुल गलत है करके। अब रहा दूसरा पार्ट कि सीडी क्या है, जैसे ही फॉरेंसिक जांच चीजें वेरीफाई होंगी और तो अधिकारी के कंडक्ट पर विचार किया जाएगा उस जांच के आधार पर, और जिस तरीके का उनका कंडक्ट की गंभीरता होगी उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा जी। और मैं एक काम करना चाहता हूँ जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग जो है सब मीडिया वाले बहुत आपका समय ताकत लग रही है महाराज, आप देहरादून आइए ना, आप ही लोग एक जांच कमेटी बना करके आ जाइए, आप ही सब जांचें करवा लीजिए ना, हमारा काम हल्का कर दीजिए, हमको बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है हर चैनल में बातचीत करने में, अपनी बात रखने में, आइए हमारी जरा सा यही मदद कर दीजिए। हम तो बिल्कुल इसमें खुला है मामला जो है, देखिए भाजपा जो है बहुत डेस्परेट थी, बहुत ये मेरा अगला सवाल होने वाला है आपका, चुके थे हरीश रावत गले जी। गले तक आरोप लग यही मेरा अगला सवाल होने वाला गले है, गले तक डूब चुके थे, आप तो कुछ राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने जो है मैंने आपने जो बात कही है हरीश, इसीलिए जो है आपने जो बात कही है, मैंने अपने संवाददाता हमारे रॉबिन चौहान हमारे संवाददाता हैं देहरादून में और ब्यूरो हमारा वही संभालते हैं, मैंने उनसे बहुत बारीकी से बात की कि आखिर किस तरह से पूरे शराब का कारोबार आबकारी की नीति किस तरह से चल रही है उत्तराखंड में। उन्होंने मुझे यही समझाया कि ये सच है कि भुवन बीसी खंडूरी साहब जब मुख्यमंत्री थे उस समय में प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था इन निगमों से निकाल करके, आप जब आए हैं तो आपने फिर से वापस इन प्राइवेट हाथों से निगमों को दे दिया है, जो कि एक सरकार के लिए बेहतर नीति है, सरकार के पास पैसे जा रहे हैं, इसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा पहुंचाना मुमकिन नहीं है इस तरीके से जिस तरह के एलिगेशन है, ये बात मुझे आप जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है। लेकिन फिर भी सवाल मैंने भी उनसे किया था और आपसे भी मैंने किया है कि अगर कोई अधिकारी किसी के साथ बैठकर इस तरह की बातें करते दिखते हैं और वो अगर सही है तो फिर वो दंड के पात्र है, जो आप कह रहे हैं कि आप जांच के बाद अगर पाए जाते हैं तो आप करेंगे कार्रवाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब सवाल राजनीति बिल्कुल पब्लिक लाइफ के आदमी का, पब्लिक लाइफ के आदमी का वरिष्ठ अधिकारी का आचरण हमेशा एक उदाहरण होना चाहिए, यदि उदाहरण ही नहीं है तो जो है निश्चित तौर पर जिस हिसाब का उनका अपराध होगा उस हिसाब से उनको दंडित किया जाएगा, मगर अभी कोई ऑथेंटिकेटेड वर्जिन मेरे सामने चीज का नहीं है, वो तभी आ सकता है मैं जब सीडी की जांच करवा लूंगा। लेकिन हरीश रावत जी यहां फिर एक बड़ा सवाल पैदा होगा और बीजेपी ये सवाल आपसे पूछेगी कि अगर कांग्रेस संसद को इसलिए नहीं दिल्ली में चलने दे रही है कि वो कह रही है हम बहस बाद में करेंगे, पहले आप इन्हें पद से हटाइए, इन पर कार्रवाई कीजिए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, तो यहां पर आप एक अधिकारी को पद पर बनाए रख के उनके खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं और तब कार्रवाई की बात कह रहे हैं, ये तो दो नीतियां हो गई, ये सवाल तो बीजेपी आपसे पूछे। देखिए दो स्थितियों में बड़ा भारी अंतर है, ललित गेट में ललित मोदी जो बातें कह रहे हैं वो परमाणु से भी सिद्ध हो रही हैं और सीधे सीधे उनके मंत्रीगणों पर या मुख्यमंत्री पर बात चिपक रही है, वहाँ चीज़ें सीधे उनके मंत्रीगणों पर और उनके मुख्यमंत्री पर बात चिपक रही है। व्यापम के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक गवाहों की हत्या हो जा रही है उससे शक का दायरा जो है घिर करके जो सबसे शक्तिशाली हो रहा है उसमें आ रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस आदमी को शक के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है हरीश रावत, उस पर शक टिक नहीं रहा है क्योंकि उसका जो निर्णय है वो अदरवाइज है, वो जो भाजपा कह रही है उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं हरीश जी आपके पास कुछ ही पलों में लौटता हूँ, आपके पास मैं कुछ ही पलों में लौटता हूँ, क्योंकि आपकी इस ये बात जो है ये समझनी जरूरी है कि आपकी क्या सफाई है और क्या क्या मैं ये भी आपसे पूछूंगा लौटते ही कि क्या
आप पर अगर इस तरह के आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब केंद्र की सरकार घिरी हुई है और कांग्रेस का एडवांटेज है नजर आ रहा है, ऐसे में क्या कांग्रेस का स्टैंड कमजोर होता है? मगर मैं आप इससे पहले यह दिखा देता हूं एक बार अपने दर्शकों को कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं सीडी के हवाले से, एक बार जरा उनको भी सुन लीजिए कि क्या क्या आरोप लगाए हैं निर्मला सीतारमण जी ने, जिसका जिक्र कर रहे थे खुद सीएम हरीश रावत जी। मिडलमैन को ले आकर के उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अमेंडमेंट किया है, ये एक षड्यंत्र के तहत ही किया गया है ऐसे लग रहा है, और उसके तहत ये मिडलमैन इनके साथ मोहम्मद शाहिद जो पीएस है उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि कितना देना, कहां देना, कब देना। पहले 20% देंगे, फिर बाद में 70% देंगे, इधर नहीं देंगे दिल्ली में देंगे, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हर विषय इधर बाहर चले जाता है, ऐसे पूरे विवरण के साथ चर्चा हुई है। उस चर्चा का स्टिंग है हरीश जी, ये जो जिसका जिक्र कर रही हैं सीतारमण जी, इसमें कहा गया है कि भाई ये उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पर हर बातों में बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाता है, इससे बाहर जाकर के सब कुछ करना होगा, दिल्ली में पैसे देने होंगे, हरियाणा के साथ मिलकर हम काम करेंगे, कई नाम लिए जा रहे हैं, रमेश त्यागी नाम के व्यक्ति हैं जिनकी तरफ से ये डील की बातें सारी हो रही हैं, हरपाल नाम के व्यक्ति की बात आती है जिनसे पहले डील हो चुकी थी, जिन्होंने पैसे भी लिए और काम भी नहीं किए, तो क्या ये सब के सब जांच के दायरे में आ जाता है? आपको आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इनके बारे में पता करें, क्या आप इन्हें जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर? जैसे ही सीडी ऑथेंटिकेट हो जाएगी तो उसके बाद जो है सीडी यदि सही प्रूव होती है तो उसके बाद सारी जांचें होंगी और जो जो जांच के दायरे में आएंगे उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन पहले ये तो मालूम हो कि मोटिव क्या है। मोटिव इस समय सिंपल लगता है, यदि सीडी स्टिंग देहरादून में हुआ है तो देहरादून में क्यों नहीं जारी की गई सीडी दिल्ली में क्यों जारी की गई, और यही पर्टिकुलर टाइम क्यों पैदा किया गया, या तो ये कहें कि एक हफ्ता पहले की गई थी या एक महीने पहले की गई थी, कुछ बताएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आप कितने दिन यदि स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर आपको दिखानी चाहिए करके। तो वो भाजपा जैसी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न जानती हो, ये तो हो नहीं सकता है। तो यदि उन्होंने ये स्टिंग जो है अभी करवाया था तो उनको वहीं उसको जारी करना चाहिए था, और उनको दिल्ली आने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात यह है, दिल्ली आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली में इस समय भाजपा आग से घिरी हुई है, उनको ये लगा कि शायद ऐसा करने से थोड़ा शायद उनकी कुछ बचत हो जाएगी, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है, जो बुनियादी आरोप जो सीतारमण कह रही हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने उसको दिखाया भी, उन्होंने बिल्कुल सीधे कहा है कि यह सौदेबाजी इसलिए की जा रही है ताकि हरीश रावत किसी को फ़ायदा पहुँचा सके। तो मैंने फ़ायदा पहुँचाया है गढ़वाल मंडल विकास निगम को, कुमाऊँ मंडल विकास निगम को और मंडी समिति को, तो इसका मतलब है मैंने जो सौदेबाजी हो रही थी वो मंडी समिति को इनको फायदा पहुंचाने के लिए हो रही थी। तो ये जो बीजेपी का पूरा आर्गुमेंट है मेरे लिए, वो आर्गुमेंट इसमें डिमोलिश हो रहा है। तो हरीश रावत जी के लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि जो इस टाइमिंग है, जो केंद्र में अभी स्थिति है और जो अब लगातार हमले कांग्रेस के हो रहे हैं व्यापम को लेकर के और ललित गेट को लेकर के, ऐसे में आपके खिलाफ इस तरह की सीडी को सामने ला करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्टैंड को कमजोर करने की कोशिश हुई है बीजेपी की तरफ से, और उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं इस तरह अब इसका इस्तेमाल करके, सीडी का इस्तेमाल करके। ये आपकी झा साहब, ये आपकी मीडिया रिपोर्ट ही थी, मैंने भी एकाध अखबार में कहीं पढ़ा था कि भाजपा जो है ने ये अपने लोग लगाए हैं, ये कहा है कि कुछ बनाओ और लाओ ताकि कांग्रेस के कुछ चीफ मिनिस्टर्स को और कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ कुछ बातें उछाली जा सके जो अभी तक नहीं उछली है। तो शायद उन्होंने बिस्मिल्ला भाजपा ने मुझसे किया है। तो आप ही को क्यों निशाना, मतलब ये दिल्ली की राजनीति के निशाने पर आप ही क्यों आ गए? हो सकता
हो सकता है यहाँ कोई उनका इस तरीके का पकाने वाला एक्सपर्ट हो और इसलिए उनको रेडीमेड उसकी मदद मिल गई हो, क्योंकि मुझे लगता है ये सारा पकाया हुआ मामला है। नहीं तो हरीश रावत जी, अगर ये पकाया हुआ है तो ये भी तो हो सकता है कि लगातार आप खुद ही अपनी पार्टी से विपक्ष की तरह जूझते रहे हैं, खुद ही आप दिल्ली तक बहुत सारी बातें होती रही है कांग्रेस के भीतर, तो कहीं आपको कमज़ोर कड़ी के तौर पर तो बीजेपी नहीं देख रही है, जिसको लगा कि अगर हमारे सीएम्स को ये निशाना बना रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, तो हम कमज़ोर कड़ी हरीश रावत को निशाने पर लेते हैं पार्टी के भीतर। देखिए, हरीश रावत कितनी कमज़ोर कड़ी है तो भाजपा बहुत अच्छी है और उनको आज भी मालूम है कि, और इसीलिए उनको इस समय ये लगा कि यही मिल गया, जिस तरीके से बच्चा खुश होता है उस समय उसी तरीके से भाजपा भी खुश हो रही है। लेकिन इसमें है कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। दोनों चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं, अलग अलग हैं। जो हरीश रावत से संबंधित चीज़ है वो अलग है, वो बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाई दे रही है कि भाजपा जो है जो बात कह रही है उसमें कोई फैक्चुअल, उसमें गंभीर फैक्चुअल एरर ही नहीं है, बिल्कुल ठीक उल्टा है। और जहाँ तक सीडी की मामला है, हमने खुद ही कह दिया हम जाँच करेंगे, जाँच में जिसका दोष निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो हरीश रावत अपने आप को इस मौके पर जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी को घेरने में लगी है, मोदी सरकार को घेरने में लगी है, संसद में आंदोलन पर है उतारू, तो ऐसे समय में जो ये सीडी आया है इसमें हरीश रावत अपने आप को पाक साफ साबित करेंगे, दिखा देंगे कि ये बीजेपी ने किस कोशिश के तहत जो आप आरोप लगा रहे दरअसल ये प्रोपेगेंडा किया था। मुझे झा साहब, मुझको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी अपनी, आपने जिस तरीके से आप चैनल में उसको सब दिखा रहे हैं और सीतारमन जी का बयान दिखा रहे हैं और मेरा स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, दोनों में अंतर, या मेरा स्टेटमेंट गलत है तो निश्चित तौर पर हरीश रावत आरोप में घिर रहा हुआ है। यदि मैंने सरकारी हाथों से शराब का व्यापार छीन करके प्राइवेट हाथों में दिया है, ये फैक्ट है, तो फिर हरीश रावत पर गंभीर आरोप टिकता है। और यदि तथ्य इसके विपरीत है कि मैंने प्राइवेट हाथों से सरकारी हाथों में सौंपा है ट्रेड को, तो मुझ पर आरोप नहीं टिकता है। तो जब टिकता ही नहीं है आरोप, तो फिर उसके बाद ये सारे आर्गुमेंट जो है केवल आर्गुमेंट हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई कॉमन मैन भी इन्फ्रेंस निकाल सकता है, तात्पर्य निकाल सकता है, और भाजपा को इस केस को उठाना मैं समझता हूँ कुछ भारी पड़ेगा। नहीं तो कम से कम जो अधिकारी इसमें नज़र आ रहे हैं, जब तक उनके बारे में सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक तो वो आरोप के और संदेहों के घेरे में तो बने रहेंगे। भाई देखिए, सच्चाई आती भी है तो मेरे ऊपर यही जिम्मेदारी तो बनती है कि मैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूं। मैं कार्रवाई करूंगा जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, यदि कुछ आती भी है जब, तो आप बताइए मुझको, इसके अलावा कुछ आती हो बनती हो तो आप ही मुझे बता दें या कोई और बता दें। अरे महाराज, आप बता दें झा जी या कोई और बता दें। मैं तो जब तक आप कार्रवाई नहीं कर देते हैं, रमणी बता दे, नहीं जब तक आप कार्रवाई नहीं कर देते तब तक तो ये सवाल बने रहेंगे कि आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तो विपक्ष के हाथ में ये मुद्दा बना रहेगा। मैंने तो कार्रवाई के लिए कह दिया है और मेरी समझ से एक दो दिन के अंदर हम प्रोक्योर करके हम जांच के लिए भेज भी देंगे। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हो गई होंगी स्टार्ट जो है, क्योंकि मैं निर्णय ले चुका हूं। सीएम हरीश रावत, उत्तराखंड के सीएम, साफ तौर पे इन्होंने जो बीजेपी के आरोप आए हैं सामने, जो सीडी लेकर बीजेपी सामने आई है ऐसे समय में जब खुद बीजेपी और उसके मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं, उस बीच भी ये सीडी कहीं ना कहीं एक ढाल के तौर पर, ये भी लोग इस तौर पर सियासी तौर पर देख रहे हैं कि ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश बीजेपी ने की है,
कम से कम सीएम हरीश रावत का यही पलटवार है। उनका कहना है कि ये सीडी झूठी है, इसमें बातें झूठी हैं, क्योंकि जिस पॉलिसी की बात हो रही है उसके उलट हमने पॉलिसी अपनाई है। जो प्राइवेट हाथों में सारा कारोबार था शराब का, उसको हमने सरकारी हाथों में डाल दिया, फायदा सरकार को हो रहा है, पैसे खजाने में जा रहे हैं पब्लिक के, तो फिर ये आरोप कैसे? मगर जो बातें उसमें दिखाई दे रही हैं, जो अधिकारी उसमें नजर आ रहे हैं, बेशक इस वक्त हरीश रावत कह रहे हो कि वो झूठे हैं, गलत हैं, हम जांच कराएंगे, लेकिन जब तक जांच के रिपोर्ट्स नहीं आते तब तक वो सवाल बने रहेंगे, जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है। हरीश रावत जी, आपने जिस तरह से सवालों का जवाब दिया है और जिस तरह से बीजेपी को आपने कटघरे में उलट खड़ा कर दिया है, अब मुझे लगता है कि बीजेपी को भी जवाब देना होगा कि आखिर इतने कच्चे तथ्यों के आधार पर कैसे इतने बड़े आरोप बीजेपी लेकर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज स्टेट पर आकर इन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था, बहुत धन्यवाद, बहुत आपका भी धन्यवाद झा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, शुक्रिया शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो भी जांच हो जाए कि आखिर वो सीडी में जो बातें दिखाई दे रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।